महिला कबड्डी लीग महिला एथलीटों को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय खेल की स्थापना के लिए तैयार आगामी सीजन रोमांचक मैचों और हजारों आकांक्षी खिलाड़ियों के लिए अवसरों का वादा करता है। नई दिल्ली, द 15th of October 2024। महिला कबड्डी लीग WKL ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें आगामी सीजन के लिए उत्साहजनक अपडेट की घोषणा की गई। यह आयोजन महिला कबड्डी को एक राष्ट्रीय खेल बनाने और भारत भर में महिला एथलीटों के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लीग की नेतृत्व टीम, जिसमें डॉक्टर सीमा CEO और हर्षित मनव COO शामिल हैं, ने खेलों में महिलाओं को सशक्त बनाने का अपना दृष्टिकोण साझा किया। डॉक्टर सीमा ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक लीग बनाना नहीं है, हम एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहां महिला एथलीट प्रगति कर सके। WKL के चयन ट्रायल्स आगामी सीजन का एक बड़ा आकर्षण होंगे, क्योंकि ये हजारों आकांक्षी महिला खिलाड़ियों के लिए अवसर प्रदान करेंगे। लीग सबसे प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करेगी, जिन्हें बाद में नीलामी प्रक्रिया के लिए चुना जाएगा। लीग में कई टीमें होंगी, जैसे बेंगलुरु हॉक, दिल्ली दुर्गा, गुजरात एंजल्स, हरियाणा हसलर्स, ग्रेट मराठा मनाच पैंथर्स, राजस्थान राइडर्स, तेलुगु वारियर्स और यू गंगा स्ट्राइकर। WKL का ढांचा चयन ट्रायल्स के दौरान राउंड रोबिन और होम अवे प्रारूप का अनुसरण करेगा, जो खिलाड़ियों के विकास के लिए आवश्यक प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देगा। ये प्रारूप टीमों को एक दूसरे के खिलाफ कई बार खेलने का अवसर देगा, जिससे प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सहयोग की भावना भी विकसित होगी। हर्षित मानव ने महिला कबड्डी के भविष्य के प्रति अपने उत्साह को व्यक्त करते हुए कहा, हम महिला एथलीटों के लिए एक मजबूत मंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि उन्हें पहचान और सम्मान मिले। यह एक विरासत बनाने का कार्य है, महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय खेल जो सभी स्तरों पर भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। WKL केवल वर्तमान पर केंद्रित नहीं है, ये भविष्य की महिला एथलीटों के लिए आधारभूत ढांचा भी तैयार कर रही है। प्रशिक्षण, मेंटरशिप और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लीग एक ऐसा माहौल तैयार कर रही है जहां युवा महिलाएं खेलों में आगे बढ़ सके। WKL की पहलों में कार्यशालाएं, कोचिंग क्लिनिक और स्कूलों के साथ साझेदारी शामिल हैं, जो अगली पीढ़ी के डी खिलाड़ियों को प्रेरित और संलग्न करने का प्रयास कर रही हैं। जैसे जैसे WKL आगामी सीजन की तैयारी कर रहा है, न केवल मैचों के लिए बल्कि महिला एथलीटों का समर्थन करने वाली कई पहलों के लिए भी उत्सुकता बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और अन्य रोमांचक घोषणाओं की योजनाओं के साथ WKL महिला डी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। WKL के बारे में, महिला कबड्डी लीग WKL एक क्रांतिकारी पहल है, जिसने कबड्डी के खेल को महिला एथलीटों के लिए विशेष रूप से एक मंच बनाकर बदल दिया है। इसे विमेन कबड्डी लीग लिमिटेड द्वारा आयोजित किया जाएगा। WKL खेलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, कबड्डी को भारत और उसके बाहर नए दर्शकों तक पहुँचाता है, खेल की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए और महिला एथलीटों के लिए अधिक दृश्यता प्रदान करते हुए WKL भारत की सबसे बड़ी महिला डी लीग है, जो खेल उत्कृष्टता और भौगोलिक प्रतिनिधित्व दोनों का समर्थन करती है।
Let me introduce a remarkable individual who exemplifies dedication and excellence. Dr. Harshit Manav is a distinguished yoga instructor with 2 world records to his name. He has made significant contributions to India's health and wellness landscape. Over the past 2 years, he has trained 2,000 IAS officers at Labhasana, demonstrating his unwavering commitment to nurturing the future leaders. As an Indian bureaucrat, he has profoundly represented our nation on global platforms and has collaborated with Ayush Common Yoga and Haryana Yoga Ayog to promote holistic health. In his role as a senior consultant for Sukhanan Foundation, Dr. Harshit has been instrumental in researching and designing innovative yoga courses. He also serves as the health advisor to cabinet ministers, conducting personal yoga sessions for various officials and earning numerous accolades for his outstanding work. Recently appointed as the CEO of Women Kabaddi League, Dr. Harshit aims to revolutionize women's kabaddi through his visionary leadership. We are excited to see the positive impact he will bring to the sport. Now, a moment to recognize and welcome an exceptional individual whose contributions to kabaddi have earned immense respect. With 24 years of experience as a player, coach, technical officer, tournament director, and referee in professional kabaddi, his journey is nothing short of inspiring. He has been a key figure in 4 Kabaddi World Cups, 2 Asian Games, serving as a technical official and tournament director. Additionally, he has held the prestigious position of tournament director with Indian Railways for 7 years. Today we are honored to have him join Women's Kabaddi League as the technical director. His expertise, leadership and passion will undoubtedly elevate the league to new heights. Please join me in giving a huge round of applause for our esteemed RD Kaushik. हरियाणा की मिट्टी से उठकर आपके बीच में आज वुमेन कबड्डी लीग परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। और मैं बचपन से कबड्डी के प्रति मेरा बहुत अच्छा रुझान था। मैंने बहुत मेहनत की। मेरे गांव में स्टेडियम नहीं था, ना कोई सुविधा थी खेलों की। मैं दूसरे गांव में जाके प्रैक्टिस करती थी और मेरे गांव की अकेली मैं एक ऐसी लड़की थी जो गेम करती थी, इसलिए मेरे को बहुत परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ी। इधर उधर के बच्चों से मिलके, उनके परिवार से मिलके मैंने एक टीम तैयार की और कबड्डी डिस्ट्रिक्ट टीम बना के फिर आगे कॉलेजों में स्कूलों में मेहनत करके और आज यहाँ पर आप सभी के बीच में वुमेन कबड्डी लीग कराने जा रही हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर सिन्हा जी, थोड़ा सा इसका गला क्या हम और खोल सकते हैं? चलिए। ओम, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि भाई आदित्य जी ने सभी का, मनचान सिंह सभी लोगों का इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, मैं हर्षित मानव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वुमेन्स कबड्डी लीग, आप सभी का इस पावन अवसर पर, इस बड़े आनंद का जो विषय आज हमारा है, तो सभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी जितने यहां पर लोग हैं, साथ के साथ हमारे जो टीम से लोग हैं, एक बार करतल ध्वनि से आज के इस विषय का, इस समारोह का हम शुरुआत करें और एक ऊर्जा के साथ में आज के इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। सीमा जी ने बताया और भाई आदित्य ने भी बताया कि आज का जो मुख्य विषय है वो हमारा वुमेन्स कबड्डी लीग को लेकर। आप सभी कबड्डी खेल को जानते हैं,
और चूंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो मैं मानता हूं कि सब दिल्ली या दिल्ली के आसपास के लोग ही हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी मुख्यतः। और स्पेसिफिकली इस नॉर्थ इंडिया में जो कल्चर है वो हमारे देसी खेलों का है, चाहे वो खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, कुश्ती हुआ, दंगल हुआ, तो हमारा ये सारे खेल इस कल्चर में लेकर के हैं। कुश्ती को आज के समय में एक बड़ा अच्छा रिकॉग्निशन ग्लोबल लेवल पर मिला है। अभी तक आप सभी, आप तो खैर सब जानते ही हैं, जितने भी मेडल्स ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में, इंटरनेशनल गेम्स में आ रहे हैं वो मुख्यतः इसी बेल्ट से आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के सभी लोग हैं। तो कबड्डी है, कुश्ती के साथ साथ एक विषय बहुत छोटा सा सामने हमारे आया था कि क्यों ना जो पारंपरिक खेल हमारे हैं, जो रीजनल स्पोर्ट्स हैं, उनको भी एक ऐसा स्तर हम लोग ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएं, ग्लोबल स्टेज पर लेकर जाएं, जहां हम बाकी और खेलों को देखते हैं और उनके लिए प्रशंसा करते हैं। क्रिकेट आप सब देखते हैं, सब जानते होंगे क्रिकेट को। आप में से मैं बड़े ही सम्मान के साथ आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या क्रिकेट के बाद में कोई भारत का ऐसा खेल है जिसको हम ये कह सकते हैं कि उतनी ख्याति, उतना प्रदर्शन हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया है? कोई नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई दूसरे खेल का नाम लेगा। आप ये देखिए कि जहां हम क्रिकेट की बात करते हैं, अभी पिछले दिनों दिल्ली में इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, मैं पहली बार मैच देखने गया, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं क्रिकेट को लेकर के, लेकिन ऐसा इंडिया पाकिस्तान वाला है, ऐसा कोई बड़ा ट्रेमेंडस मैच भी नहीं था कि बहुत ज्यादा उसके लिए भीड़ आए, लेकिन फिर भी जब मैं गया तो मुझे जो लगा, लगभग 7,000 से 10,000 लोग वहां पर बैठे हुए थे। मेरे पास वीआईपी पास था तो मैं इजीली एक्सेसिबल था, परंतु मुझे ये दिख रहा था कि क्रिकेट के प्रति जो लोगों का क्रेज है वो इतना इतना भयंकर, इतना बड़े स्तर पे है, तो वही क्रेज हम अपने राष्ट्रीय खेलों को, अपने देश के खेलों को नहीं दे पा रहे हैं। इसी भावना के साथ, इसी विषय के साथ में मैडम के साथ हमारा जुड़ाव हुआ और धीरे धीरे करते करते एक सहज टीम हम सबकी बनती गई। वो कहावत बहुत प्रचलित है कि अकेला चला था और चलता गया, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो उसी तरीके से हमने कबड्डी में जो भी देश में पायनियर लोग हैं, अब आज हम कबड्डी की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा नाम आता है प्रो कबड्डी का, और ये कहने में हमें कोई शर्म नहीं है। मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि प्रो कबड्डी ने एक ऐसा व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को लेके गए हैं वो लोग, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा हमारा राष्ट्रीय खेल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप स्टैट्स उठा के देखिएगा, क्रिकेट के बाद में यदि कोई सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है एशिया में, दैट इज कबड्डी, और उसमें भी यदि हम आ जाते हैं तो प्रो ने तो बड़ा अच्छा बेड़ा अपने कंधों पे लिया है कि वो पुरुषों की कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय मैदानों में लेकर गया, थोड़ा सा बेड़ा हमने लिया है कि हम महिला कबड्डी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं। और इसी ध्येय से, इसी सपने से आज की ये प्रेस वार्ता सभी ने हमने रखी, और आप सभी का सहयोग, आप सभी का जो मैं कहूँ कि इनिशिएटिव है, आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिएगा इस पूरे विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने के लिए। वुमेन कबड्डी लीग की मैं बात करूँ, पिछले 2021 में ये संस्था का गठन हुआ था और एक सीजन हम लोगों ने दुबई में लास्ट ईयर कराया है, और एक अच्छा सक्सेसफुल इवेंट मैं कहूँगा, मैं मानता हूँ कि वो रहा। नो डाउट कि इंडिया में उसकी इतनी व्यूअरशिप नहीं थी क्योंकि हम लोग भी नहीं थे, हमें मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, हम गेम को जानते थे, खेल को जानते थे, वहाँ पर हमने कार्य किया, परंतु हमें दुबई सरकार से भी अच्छा एकोलेड मिला, अच्छी प्रशंसा उन्होंने हमारी की, और अब ये विषय हमारे सामने आया कि नहीं, अपना देश, अपना खेल है तो अच्छा रहेगा कि अपने देश में दोबारा से लेकर इसको आते हैं, और एक व्यवहारिक स्तर पर, एक ग्रैंड लेवल पर, एक बड़े इवेंट के रूप में हम इसको आगे देखना चाहते हैं और उसके लिए कार्यरत हैं। उस सिनेरियो से वुमेन्स कबड्डी लीग का ने लॉन्च किया, और वहाँ से फिर धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें चली, तो कुछ टीम्स जो पिछले सीजन में हमारी थी उसमें कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन किया है, क्योंकि वहाँ से हमें डाटा बहुत अच्छा मिला। आप यहाँ बैठे, आप में से ये बताइए कि आपके हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा कबड्डी देखने वाला जोन कौन सा है? Either east, north, south, west, northeast, कौन सा आपको लगता है? Northeast, 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 बहुत
सबसे ज्यादा लगभग 79% की जो व्यूअरशिप हमें मिली वो मिली साउथ इंडिया से, 79%. जो ब्रॉडकास्टर समझ रहे तो उस वजह से कुछ चीजें नहीं सीख करके हम दोबारा संसार में आए और कुछ टीमों में परिवर्तन किया गया और कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों में जहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ परिवर्तन करना था ताकि इस विषय को, इस खेल को आगे हम बढ़ा सके, उस रूप में हमने परिवर्तन किया। अभी लगभग देश में हम अपने स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रायल्स हमारी बहनों का बेटियों का कर चुके हैं, परंतु क्योंकि आज से हम एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट WKL करने जा रहे हैं तो हम पूरे देश भर में एक कैंपेन, एक सिलेक्शन ड्राइव चलाएंगे जिसके तहत हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग पूरे देश भर में से 4,000 से 5,000 बहनों का हम लोग ट्रायल लेंगे पूरे इंडिया में। चाहे वो गुजरात की हम बात करें, उधर नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे तो हम असम सिक्किम की बात करें, ऊपर चले जाएंगे जम्मू कश्मीर की बात करें और नीचे जाएंगे तो हम चाहे केरला तमिलनाडु की बात करें। तो अभी मुख्यतः हमने 4 लोकेशन फाइनल की हैं जिसमें से एक लोकेशन हमारी चंडीगढ़ है कि हमें जोन कवर करने हैं ताकि सभी बहनें सभी बेटियां उस जगह पर आ पाएं। चंडीगढ़ एक हमारा सिलेक्शन ट्रायल रहेगा, उसके साथ साथ हमारा ट्रायल इधर आप नीचे जाएंगे तो झारखंड में जमशेदपुर में रहेगा और थोड़ा सा साइड में जाएंगे तो महाराष्ट्र साइड में हम पुणे में एक ट्रायल हमारा करेंगे और एक लोकेशन अभी हमने और खाई थी कि हम बहुत सारा डाटा और स्टूडेंट्स प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी कहाँ पर कितना अच्छा हमें कितनी अच्छी क्वालिटी के प्लेयर्स मिल सकते हैं वो सब थोड़ा सा देख रहे हैं। उन सभी के अलावा फाइनल जो ट्रायल एक सिलेक्शन कैंप होने के बाद में उन सभी को हम लोग सोनीपत लेकर आएंगे और सोनीपत में उनका फाइनल सिलेक्शन होगा एक कैंप के बाद, जैसे ओलंपिक्स में खेलों में बच्चे बाहर जाते हैं तो एक फाइनल एग्जीक्यूशन से पहले एक ट्रायल कैंप होता है, तो वहां से हम लोग प्लेयर्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं कि ये थोड़ा सा ए ग्रेड प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, ये थोड़ा सा हल्का हो सकता है, वो थोड़ा सा, तो हम 2 से 3 कैटेगरीज में, मैं अपना एक ओवरव्यू एग्जीक्यूशन का हमारा लीग का कैसे रहेगा उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि वो थोड़ा सा हम लोग उसको चैनलाइज करेंगे ताकि बाकी जो प्लेयर्स हैं उन सबको भी हम उस तरह से एंटरटेन कर सकें। और फिर प्रभु ने चाहा, सब कुछ अच्छा रहा, तय समय पर रहा, सभी का स्नेह और आशीर्वाद हमें मिला तो आने वाली फरवरी में हम लोग इस लीग को एग्जीक्यूट करने की संभावना हमारी है। अभी प्रोविजनली जो लोकेशन है, क्योंकि हम लोग यही बात कर रहे हैं कि सब नॉर्थ इंडिया में ज्यादा इसकी व्यवस्थाएं हैं, तो हाल फिलहाल के लिए दिल्ली में ही हम इसको एग्जीक्यूट करने की व्यवस्था सोच रहे हैं कि यहाँ पर वो की जाए, बाकी जहाँ प्रभु इच्छा और जो समाज से, जो देश से हमें आदेश होगा उस तरह के लिए हम हमेशा हाथ खोल करके तैयार करें हैं। और इसी के साथ में बहुत धन्यवादी हूँ आप सभी का और आप सभी से एक व्यक्तिगत निवेदन मैं करना चाहता हूँ। हमारे इंडिया, भारत के पास में एक ये ऐसा विषय है जिसको लेकर के हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं, जिसका एक छोटा सा उदाहरण हम सभी ने योग को लेकर देखा, क्योंकि मेरा मूल जो विषय है वो योग है, हालांकि योग में आप स्पोर्ट्समैन भी आ गया है और इंडिया 2036 में बिड भी कर रहा है। हाँ, एक बिंदु और मैं आपको बता दूं, इंडिया बिड कर रहा है ओलंपिक के लिए 2036 में, तो इंडियन गवर्नमेंट का ये प्रोविजन है कि वो एक कबड्डी को, एक योग को और एक और कोई स्पोर्ट है उसको इन्वॉल्व इंक्लूड करे ओलंपिक गेम्स में, क्योंकि ओलंपिक्स का ऐसा रूल है कि वो जो कंट्री होस्ट करता है वो अपने मर्जी से कोई खेल वहां पे इंक्लूड कर सकता है। तो यदि ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा खेल उसका पूरा स्टेबल तरीके से हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं और वहां पे एक पूरा छाप देश के हमारे वहां छूटे। तो योग ने वो काम जरूर निसंदेह रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है और मैं मानता हूं और प्रयासरत रहूंगा अपने पूरे पूरे समय में कि योग के साथ साथ में ऐसी IP, एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और हम ग्लोब को दें जिससे भारत के नाम में 2 चांद और लगें और ये देश हमारा इसी तरह से कम खेलों में तो आगे बढ़ता ही जाए। इन शब्दों के साथ में आप सभी का पुनः एक बार बहुत धन्यवाद देता हूँ, पुनः आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि आप सभी ने अपने यहाँ अपना समय निकाला और हम सबको अनुग्रहित किया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
और आपके यदि कुछ सवाल हैं तो प्लीज प्लीज हम इसमें 18 टू 50 ही रखेंगे अभी के लिए, लेकिन यदि हमें जैसे रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहाँ बच्चियाँ छोटी भी हैं खेलना चाहती हैं, तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हम अभी प्रोविजन में लेके चलते हैं हमारे लिए, हम सबके लिए, बल्कि क्योंकि जितनी ये खबर फैलेगी उतना ही लोगों को पता लगेगा कि ऐसे ऐसे महिलाओं की कबड्डी होने जा रही है। उसमें अब आपने जिस जो बात कही, अभी कबड्डी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हम लोग रीजनल कबड्डी के कुछ एसोसिएशंस हैं, कुछ अकेडमीज हैं, क्योंकि कोई बच्चा है वो वहां पे जुड़ा ही होगा बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है, और हमारे पास में जो टीम है, हम लोग चाहे कौशिक सर हैं और भी हमारे दो चार बड़े सीनियर ऑफिशियल कबड्डी के हैं, हम लोग उनको हिट कर रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे हम लोग लेकर आ रहे हैं, वहां तक अपना प्यार पहुंचा रहे हैं, और आपके लोनशिप में यदि कोई कबड्डी की अच्छी खिलाड़ी है तो कृपया आप हमारे सिलेक्शन ट्रायल्स में लेकर आइए, और यदि वो अच्छा है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने का काम हम करेंगे। आप प्रमोशन तो अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन जब तक एथलेटिक कहीं होती नहीं है कोई भी स्पोर्ट्स, तो प्रमोशन ना सरकार से मिल पाता है ना आप उसको सही ढंग से चला पाते हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन ये बहुत सी चीजें फिर आगे आती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अभी आप उसको एफिलेटेड नहीं है अभी, और क्योंकि अप्रूव ही नहीं है कबड्डी के लीग का, प्रो कबड्डी चल रही सारी चीजें, लेकिन अप्रूव ही नहीं है इस स्पोर्ट्स को जी, तो उस लेवल पर आपको इसमें कंपटीशन तो कहीं ना कहीं और चैलेंज तो है ही ना कहीं। बिल्कुल सर, इसमें एक्सेप्ट करने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी देश में ही कबड्डी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन जो मैंने आपको ओलंपिक वाली बात बताई, तो अभी हमें भारत सरकार से भी पता लगा और सब न्यूज में हम लोग देखते हैं, थोड़े ही समय में सरकार भी इसको, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर है, यदि उनको बिड करना है तो उनको एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो उसके हमारे लिए ये थोड़ा सा एडवांटेज है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम हमारे भारतीय खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब कैसे लेके जाएं। कमर्शियल चीजें ये बहुत दूर की बात है, पहला उद्देश्य है हमारा खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, दूसरा उद्देश्य है कि जो खिलाड़ी अभी भी उस लाइमलाइट से, उस एक्नोलेजमेंट से वंचित हैं, देश के खिलाड़ी, देशी खिलाड़ी, उनको किस तरह से उस स्तर पर लेके आ जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है, आप मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बस अपना एक मत रख रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर है या कोई बड़ा अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर है, उसको उसके बैठने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसकी रहन सहन का तरीका हम बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जहाँ हमारे रीजनल स्पोर्ट्स की बात आती है तो भी कहीं ना कहीं एक हम उसको एक हल्का सा धुंधली आंखों से देखते हैं कि यार अभी तो ये बड़ा फेमस भी नहीं है और ये स्पोर्ट भी ऐसा नहीं है, तो हम क्यों इसको इतनी तवज्जो दें। आज यही एक विराट कोहली बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वो हो सकता है बड़े बहन बड़े बड़े मीडिया चैनल से बड़े सीनियर रिपोर्टर्स यहाँ आते, तो ये जो माइंडसेट हमारे भीतर बना हुआ है, इस माइंडसेट को परिवर्तन में लेकर आना हमें हमारी योजना है, और इसी स्तर में हम लोग काम कर रहे हैं। कबड्डी होती है या नेशनल में जो कबड्डी होती है बॉयज की, उसका टाइमिंग होता है 20 मिनट फर्स्ट हाफ, 5 मिनट का रेस्ट और 20 मिनट सेकंड हाफ। गर्ल्स में 15 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट होता है, और जैसे आपने एक रेड का टाइम बताया 18 सेकंड, वो रेड का टाइम 30 सेकंड फिक्स है। दूसरा, जैसे आपने बोला हुतूतू कबड्डी कबड्डी या जो भी बोलते हैं, जब से हमारी कबड्डी इंटरनेशनल में गई है, एशियाड में गई है, इसके पर्टिकुलर रूल्स बनाए गए हैं, अगर आपको कबड्डी बोलना है तो कबड्डी ही बोलिए, यदि आपने हुतूतू बोला तो टेक्निकली वो प्लेयर आउट माना जाएगा और विरोधी टीम को पॉइंट दे दिया जाएगा। और हम नॉर्मली एक अट्रैक्शन लाने के लिए अपना एक WKL का रूल चेंज कर ले अट्रैक्शन के लिए, अदरवाइज जो हमारी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, AKF एशियन कबड्डी फेडरेशन ऑफ है जो है, हम उसी के रूल फॉलो करेंगे,
और उसमें हर चीज के लिए पर्टिकुलर वर्ड बना दिए गए हैं, उस वर्ड के अलावा आप नहीं कुछ भी बोल सकते। वेटिंग वेट लूज की हिसाब से कैसे देख लेते हैं, आज इस बार की 100 ग्राम वेट में जैसे भार हो गया हमारे खिलाड़ी, उस बेस पर आप क्या देखते हैं? डॉप टेस्ट के लिए भी आपने क्या सर्विस? सर डॉप टेस्ट के लिए हमारे सीईओ साहब बता देंगे, मैंने जैसे आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, वेट वेट के हिसाब से मैं बताता हूं, कितने वेट के हिसाब से क्या क्या वेट कैटेगरी है, जूनियर, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर, ये तीन वेट कैटेगरी तीन में आते हैं। सीनियर का जो वेट है वुमेन में 75 केजी, लेकिन उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। कबड्डी में एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने विदेश फोगाट जी का क्वेश्चन उठाया, वहां पर रेसलिंग में, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ शुरू से, उसमें क्या हुआ, रेसलिंग स्टार्ट होने से पहले वेट होगा और फाइनल होने से पहले भी वेट होगा। कबड्डी में ऐसा नहीं है, कबड्डी में सिर्फ एक ही वेट होता है, जब कबड्डी स्टार्ट होगी उससे पहले 75 एक्सीड कोई प्लेयर करता है तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन अभी जो मेन की प्रो कबड्डी चल रही है उसमें भी 2 बार वेट होने लग गया है अभी, वो एक अपने अट्रैक्शन की बात है ताकि खिलाड़ी फिट रहे, ये ना हो कोई 5-स्टार होटल में रहते हैं खूब अपना खाया पिया और मजे किए, उसमें क्या है वो 85 उनका वेट है, 90-92 भी चला जाएगा, लेकिन वहाँ भी अब प्लेयर फिट रहे क्योंकि लॉन्ग पीरियड में उनको खेलना होता है और फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए उस वहाँ भी 2 बार वेट है। लेकिन हमारा जो पीरियड है टोटल 20 दिन का है, 20-21 दिन का है, तो उसमें हम एक ही बार वेट करेंगे। प्रो कबड्डी में तो चल जाएगा। वुमेन्स कबड्डी लीग, पहला सवाल ये है कि ये लीग कब से स्टार्ट होनी है, दूसरा फ्रेंचाइजेस अभी तक कितने आ गए हैं आपके पास? सर लीग का प्रोविजनल डेट्स हमारी फरवरी 2025 का प्लान कर रहे हैं, इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी वील ट्राई टू स्टार्ट द लीग। और रही बात फ्रेंचाइजी की, तो आज हमारा प्रेस मीट हो गया है, आज हम लोग लॉन्च, हमारा अनाउंसमेंट हो गया है, अब हम धीरे धीरे ग्राउंड में जाएंगे और अपनी ग्राउंड वर्किंग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कैटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और प्राइस मनी क्या रहेगा सर? वो सर अभी लगभग विद इन अ वीक हम लोग सारा प्राइस डेक, पिच डेक सब शेयर कर देंगे, तो क्योंकि अभी उस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें ग्राउंड से सबसे पहले, इसीलिए हम लोगों ने अभी मार्केट आउट नहीं किया, हमें ग्राउंड से रिपोर्ट चाहिए कि ग्राउंड में हमें कितना रिस्पांस मिल रहा है, लोग कितना एंथुजियास्टिक हैं, क्योंकि ये सारा विषय ही एक एंथुजियाज्म और एक जोश का है। सेकेंड सीजन आपका दुबई में हुआ था, फर्स्ट सीजन, माफ कीजिएगा, फर्स्ट सीजन आपका हुआ था, तो अब ये जो सीजन है ये कहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करेंगे? ये सेकेंड सीजन है सर, प्रोविजनली हम लोग दिल्ली में ही करेंगे क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते थे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सेकेंड सीजन हो इंडिया में हो वापस और यहीं से स्टार्ट करेंगे। सर एक बताएं कि गेम्स जो है कबड्डी गेम्स हैं अभी इतना पॉपुलर नहीं है, और पॉपुलर भी होना भी चाहिए क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ गेम है ये सारा, क्योंकि स्कूल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक सब जगह कबड्डी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल, इसको और ज़्यादा पॉपुलर होए उस पर आपका क्या फोकस है? उसमें सर सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है, वो आप सभी का ही है, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जब मीडिया, जब प्रेस इस चीज़ को अपने मुंह से कहता है तो निसंदेह रूप से एक ट्रस्ट फैक्टर, एक विषय को बड़े मास तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वहाँ हो जाती है, तो हम लोग तो आपसे अनुरोधी ज़्यादा हैं, बाकी हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ में हम लोग मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल हो, प्रिंट में हो। सर वुमेन्स कबड्डी लीग, और इस समय यहाँ पर पूरे जोश और शक्ति के साथ में हम लोग आज एक अनाउंसमेंट हमने किया है वुमेन्स कबड्डी लीग 2025 का, जो होपफुली फरवरी 2025 में के पहले हफ्ते में हम लोग दिल्ली में कराने की कोशिश करेंगे। हरियाणा से हैं, हरियाणा स्पोर्ट्स लेवल पर आज की डेट में देखा जाता सबसे फास्ट, और आपने ये कैसे जाना कि कबड्डी को भी बढ़ावा मिलना चाहिए? क्योंकि मेरा रुझान कबड्डी की तरफ था, इसीलिए मैंने कबड्डी को प्रमोट किया। आपने पहले कभी कबड्डी? हाँ जी, मैंने खेला, खुदा स्पोर्ट्स में रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो अब किस तरीके से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्या स्टेट लेवल से इसको पैन इंडिया पे लाने के लिए या स्कूल लेवल पे जाएंगे, किस तरीके से आप जाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो स्टार्ट आपका क्या रहेगा? हमारा स्टार्टअप गाँव के बच्चों से लेके शहर के बच्चों को सारी ट्रायलों में बुलाना है, और उसके लिए हमने अपना प्रोग्राम फिक्स कर रखा है। फिक्स कर रखा, उम्र के हिसाब से भी आपने कुछ लिया अलग पार्ट? हाँ जी, उम्र 17 से लेके 30। अभी तो 7 टीमें ही आपकी गई थी, अभी कितनी टीम और बढ़ा? 8 टीमें गई थी, 8 टीमें गई थी, अभी 8 टीमें हैं, अभी भी 8 टीमें ही हैं। और कुछ नया इसमें, कुछ नया ला रहे हैं कुछ? हाँ जी, क्या लाया है नया? इनमें दो टीमों का नाम चेंज कर रहे हैं, दो टीमों का नाम चेंज कर रहे हैं। लीग नाम अपने आप से खुद रखेंगे या वो एक लेवल पर होता है जो लीग के अलग अलग
रखते हैं नाम अपने हिसाब से? नहीं, हमारी जो कमेटी वाले हैं वो रखेंगे। हाँ जी सर, आप बताएं। पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, मैं फर्स्टली सीज़न जो हुआ था दुबई में उसका भी टूर्नामेंट डायरेक्टर था, और मुझे अभी हमारे जो सीईओ हैं और सीईओ हैं उन्होंने फिर मुझे मौका दिया है टूर्नामेंट डायरेक्टर का, तो मैं अपना पूरी भरसक प्रयास करूँगा कि सफल हो, और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ सफल होगी। रही टेक्निकल की बात, मैं आपको बता दूँ, अगर ये 15-2-15 का मैच है, इसमें 30 सेकंड जैसे बॉयज़ में है गर्ल्स में भी 30 सेकंड की ही रेड का टाइम है, सारे रूल्स रेगुलेशंस वही हैं। लड़कियों में जो होगा हमारा सीनियर में कोई एज फैक्टर नहीं होता, लेकिन हमने ये है कि कोई बच्चे जैसे हमारे सीईओ ने बताया अभी 17 या 18 साल से हम नीचे नहीं लेंगे, और इसमें अपर एज नहीं होता, लेकिन अब की बार हमने जैसे हमारे सीईओ साहब ने बताया कि अपर एज भी रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा, क्योंकि चोट लगने के, ये तो मैन टू मैन गेम है, इसमें चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमारे को अपर एज का भी हमने प्रोविज़न रखा कि इससे ऊपर हम नहीं लेंगे। और रही रूल्स की बात, मैंने जैसे पहले आपने पूछा था तो मैंने बताया, इंटरनेशनल वर्ड्स बन चुके हैं अब, जैसे पहले ये पाला मार दिया बोलते थे, अभी पाला मारना नहीं बोलते, इंटरनेशनल कहते हैं ऑल आउट। पहले जब कुछ भी बोलते थे हुतु तुतु बोलते थे, अभी सिर्फ कबड्डी ही बोलना होगा, और जैसे टेक्निकल टाइम आउट है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बोनस पॉइंट कैसे देना है कैसे देना, ये टोटल स्ट्रीमलाइन हो चुका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और एक छोटी सी मैं आपसे पर्सनली शेयर करना चाहता हूं, आपने नहीं पूछा, मैं खुद चाहता हूं बताना, मैं प्रो कबड्डी में 9 साल रहा हूं, मैं 2 साल रेफरी था ग्राउंड में, और 7 साल मैं थर्ड अंपायर रहा। हम टेस्ट मैच जो होते हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, हम उससे ऊपर हमारी टीआरपी थी प्रो कबड्डी की। जो वनडे था, वनडे में हम 0.04% पीछे थे, अब क्रिकेट हमारे से सिर्फ T20 में हमारे से ऊपर था, और हम ये डिटर्मिनेशन लेके चले हैं, ये जो टीम हमारे सीईओ मैडम ने बनाई है, ये हमारा उद्देश्य है, अगर हम मेन की प्रो कबड्डी से भी ऊपर लेकर जाएं इसको, और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। और वही जैसे हमारे सीईओ साहब ने बताया कि आप लोगों के सहयोग के बिना ये हम कुछ नहीं। रेफरी कितने रखेंगे? रेफरी सर एक्चुअली एक मैच में 12 रेफरी होते हैं, 12 रेफरी होते हैं ग्राउंड पे ही 12 होते हैं सर। उसमें एक्चुअली क्या है, 2 अंपायर हो गए, रेफरी हो गया, उसमें असिस्टेंट स्कोरर हो गया, लाइन अंपायर हो गया, फिर 4 आदमी हमारे टेबल पे भी बैठते हैं, जो एक 30 सेकंड का मैंने आपको बताया स्लॉट, 30 सेकंड को काउंट करने के लिए मशीन रहती है, उसके बाद एक थर्ड रेड भी चलती है, आपने सुना होगा, डू और डाई भी उसको बोलते हैं। हम थर्ड रेड बोलेंगे वो गलत है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर नाम रख दिया डू और डाई, उसको काउंट करने के लिए अलग होता है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। हम 2 ही रेड खाली हुई है, उसके बाद ही डू और डाई रेड बोल सकते हैं, और गलती से किसी ने सेकंड रेड को ही डू और डाई बोल दिया तो फिर इशू हो जाता है, तो उसके लिए एक रेफरी अलग से होता है। तो हम एक बार में 12 रेफरी लगाते, और कुछ स्पेयर 4, 5, 7 जैसा भी होता है वो रखने पड़ते हैं, बाई चांस किसी को कुछ इशू आ गया, या फिर एक आदमी, जैसे हमने अभी फाइनल तो नहीं किया है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं 3 मैच पर डे कराएं, तो एक आदमी 3 घंटे नहीं खड़ा रह पाएगा, तो उसको चेंज कर देंगे, जो बैठा था टेबल पे उसको ग्राउंड में खड़ा कर देंगे, जो ग्राउंड में है उसको चेंज करेंगे, लेकिन 12 रेफरी तो एक बार में लगेंगे ही लगेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।